बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालेही वासाबी बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैके रसूलल्लाह। मैं सदाबहार इस्लाम से मुखातिब हूँ और अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिद सदाबहार सय्यिद सय्यिद सदाबहार बात है सय्यिद नईमुद्दीन सदाबहार। ये देखिए ये मेरा अब्बा जी कब्र है ना, कब्र सय्यिद मोइनुद्दीन। अभी भी चादर चढ़ा हुआ है, 2003 से इसको हम मेंटेन किया था। ये चादरें अभी तक चढ़ी हुई हैं, आज उन्होंने मना कर दिया तो मैंने छोड़ दिया, करीब 10-12 साल से, और अभी तक चादर चढ़ा हुआ है। और यहाँ पर ये दोनों पेड़, ये पेड़ से बगल यहाँ पर मेरी माँ अनवरी बेगम का मजार, द मदर ऑफ द सदाबहार फैमिली, अनवरी बेगम का यहाँ पर मजार है। अल्लाह मसल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालेही वासाबी बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये हुए ये दोनों पेड़ के पास, ये जो कागज पड़ा हुआ है, एक चादर चढ़ा हुआ है, द फादर ऑफ द सदाबहार फैमिली है ना। और ये हैं ये पेड़ दोनों, इससे जरा बगल करके यहाँ पर ये है द मादर ऑफ द सदाबहार फैमिली अनवरी बेगम। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي واله وصحبه بارك وسلم صلاتن و سلامن علیک ما تجھے سلام। यही है कनीज फातिमा को लाने वाली। और जब ठेकेदारी के लिए हम पहला दिन निकले थे तो हमको 2 रुपये का किराया दरकार था, पैसा नहीं था पास में, तो बोला माँ 2 रुपये दे दो, कहे कि 12 आना भाड़ा था दुर्गापुर से आसनसोल तक का वगैरह वगैरह, तो बोले 2 रुपया सब्जी का है, आज सब्जी नहीं बनेगा, थोड़ा माँ आज खा लो दाल भात, इसके बाद खाली गोश्त ही खाओगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालेही वासाबी बारिक वसल्लम सलातन व सलाम। 2 रुपये निकाल के दे दिए और अल्लाह ने मेरे जबान की लाज रखी कि हम लोग ठेकेदारी हो गए, ठेकेदार हो गए। बॉल सब बुलाया था, बहुत पहला दिन था पानपुर प्लांट में आने का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालेही वासाबी बारिक वसल्लम सैयद नईमुद्दीन सदाबहार के नाम से जो मेरा चैनल है, सब मैं डाल दे रहा हूँ ताकि आने वाला नस्ल, इनका पोता पोती नाती नतनी, जब तक यूट्यूब है जानेगा कि मेरा दादा का कब्र कहाँ पर है। ये जोड़ा पेड़ है ना, और ये अब्बा जी कब्र, और ये पानी का टंकी, ये दरवाज़ा, और ये पेड़ खड़ा हुआ सामने में, ये दरवाजे से एकदम करीब में ये पानी का टंकी, ये अब्बा जी कब्र, ये पेपर पड़ा हुआ है जो सादा वाला, वही चादर चढ़ा हुआ अभी तक, और ये दोनों पेड़, ऐसे जरा सा घुमा के अम्मा का कब्र यहाँ पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालेही वासाबी बारिक वसल्लम सलातन व सलाम। अब तो सब साफ करे, कब्र बन रहा है तो कब्र बन गया और लोगों का भी, लेकिन यही लोकेशन उनका है, और अब्बा जी का अभी तक 2003 से अभी तक अब्बा जी कब्र कायम है। आगे अल्लाह की मर्जी, अगर कभी ये कायम रह गया तो खानदान के लड़कों को चाहिए कि लाखों रुपया दे के ये जमीन खरीद ले, इस पर अब्बा जी का हम लोग दरगाह बना देंगे, गुम्बद वाला इंशाअल्लाह, खानकाह सैयद नईम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालेही वासाबी बारिक वसल्लम। वैसे शरीयत में है कब्र को बराबर कर देना, अगर बराबर हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब बराबर नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्जी होगी तो मुझे 1 लाख रुपया खर्चा करेंगे और इन लोगों को बड़ा प्लाट खरीद के देंगे और अब्बा जी कब्र पर यहाँ इमारत बना देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालेही वासाबी बारिक वसल्लम सलातन व सलाम। फातिहा पढ़ लें। ये जोड़ा पेड़ इमली का याद रखने का है, और ये पेड़ से जरा सा ये अम्मा का मजार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालेही वासाबी बारिक वसल्लम सलातन व सलाम। قل والله ود الله صمد لم يلد ولم يلد ولم يقل قل والله ود الله صمد لم يلد ولم يقل صلى الله عليه وسلم। मेरी माँ अनवरी बेगम को बख्श दिया, इनके खानदान वालों को सबको बख्श दिया। माँ तुझे सलाम, द मादर ऑफ द सदाबहार फैमिली।